इस वक्त दुनिया में 90% लोग किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानते हैं और कुछ लोग तो ऊपर वाले को भी नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि विश्वास जहाँ पर करना चाहिए वहीं पर करना चाहिए और जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ से अपने कदम दूर ही रखने चाहिए। जल्दी कर बेटा, कहते हैं कि कहीं पर पहुँचने के लिए ठीक 11 बजे निकलकर सूरज के सर पर होने से पहले पहुँच जाना चाहिए। कितनी बार कहा माँ, जब मैं साथ होता हूँ तो ऐसे बातें मत किया करो। पिताजी आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आप हो किसकी साइड आखिर। कभी कहते हो गलत है और कभी कभी सबसे आगे आप ही होते हो। लैला गाय हर छोटी बात में अपना अंधविश्वास डाल देती है और उसका बेटा गोलू बैल ऐसी किसी भी बात में विश्वास नहीं करता है। गोलू के पिता और लैला के पति प्लूटो बैल, उन दोनों के बीच का बैलेंस है। वो जहाँ पर विश्वास करना चाहिए वहाँ पर करता है और जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ पर नहीं करता है। कोई बात नहीं है लैला, कब्रिस्तान ही तो जाना है, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। ऐसे ही इस परिवार का सदस्य कब्रिस्तान जाते वक्त लल्ली गाय को एक 3 सर वाली गाय नजर आती है। प्लूटो वो देखकर कोई कर्तव्य दिखा रहा होगा सोचकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन साथ में चल रही लैला के मन में ये सब चल रहा होता है। इनके साथ रहकर तो मैं उससे नहीं मिल सकती हूँ, इस मूर्ख इंसान को घर छोड़ने के बाद मिलती हूँ इन मायावी गाय से। ऐसे कहकर जल्दी से कब्रिस्तान जाकर जल्दी से घर लौट जाती है। लैला के इस बर्ताव से प्लूटो को शक होता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ये सोच करके कोई मूर्ख ही होगा जो एक 3 नकली सर वाली गाय से किसी तरह की उम्मीद रखेगा। लेकिन लैला की सोच तो दरिया के पार है। हे देवी, मुझे माफ कर दो, मैंने जब आपको पहली बार देखा तब मैं अपने मूर्ख पति की वजह से आपसे बात नहीं कर पाई थी। मैं एक लगता गाय जैसा हूँ, लेकिन मेरा 3 चेहरों के 3 हिस्से है। मैं गाय हूँ और बैल भी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ऐसे कहते हुए वो 3 सर वाली गाय पहले तो लैला को अपनी बातों से बहुत ज्यादा खुश कर देती है, उसके बाद उसे समय निकलकर अपने घर बुलाने को कहती है। लैला एक अंधी गाय की तरह उसकी बात सुनती है। कहाँ गई थी लैला तुम? सच बताओ, उस नकली 3 सर वाली गाय के पास ही तो गए थी ना? इस बार कोई बेवकूफी मत करना। आप मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हो, एक ही पल में साथ रहते हो और अगले ही पल ऐसी बातें करते हो। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ मम्मी, पिताजी मुझे सच में समझ में नहीं आते हैं। प्लूटो दोनों में से किसी से भी कुछ नहीं कहता है और चुपचाप बैठा रहता है। अपनी मम्मी की हरकतों से परेशान गोलू घर से बाहर दोस्तों के पास जाता है और प्लूटो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कहकर वहाँ से चला जाता है। लैला यही सही मौका है कहकर उन 3 चेहरे वाली गाय को बुलाती है। बहुत अच्छा किया जो मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, मैं जैसे कहती हूँ वैसे करते रहो। ऐसे कहते हुए वो 3 चेहरे वाली गाय लैला को अपनी आंखें बंद करके घर के 100 चक्कर लगाने को कहती है। पीछे कहकर लैला घर के चक्कर लगाने लगती है और तब तक ये 3 सर वाली गाय अपने दोनों नकली सर निकालकर लैला के घर का कीमती सामान चुराने लगती है। यहाँ पर लैला अपने घर के चक्कर लगा लगा कर थक कर गिर जाती है और वो गाय सामान लेकर भाग जाती है। तुम आंगन में क्या कर रही हो लैला? और ये घर का दरवाजा क्यों खुला है? सब ठीक तो है ना?
आप हटो मेरे रास्ते से। वो तीन चेहरे वाली गाय कहाँ पर गई? वो हमारी मदद करने वाली थी। ऐसे कहते हुए घर में जाकर देखा तो दो नकली सर और घर का सारा कीमती सामान गायब था। वो देखकर लैला डर जाती है और प्लूटो गुस्सा हो जाता है। इससे पहले कि उनमें कोई बहस हो, गोलू को एक खत मिलता है। मैं तुम्हारे परिवार को 3 महीने से देख रही हूँ। तीनों ही तीनों नमूने के हैं। एक को किसी पर विश्वास नहीं है, एक खुद को ही सही समझता है और एक जिस खिलौने को भी देखा तो उसमें भी अंधविश्वास ढूंढ लेती है। तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। खत पढ़ने के बाद सबको अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन अब इतनी देर हो गई है कि जो खोया है उसे वापस कमाने में साड़ियां लग जाएंगी। जबलपुर नाम के एक गांव में बंदर मामा नाम का एक बंदर अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। उस गांव के 99% लोग बंदर मामा के पास ही खाने के लिए जाते हैं। बचे हुए 1% लोग बिल्लू बेल का ढाबे पर जाते हैं, वो भी उसके ऐसे ऑफर की वजह से। हम सच बता रहा है बिल्लू भैया, हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। आपके डब्बा पर सिर्फ इसीलिए आते हैं कि आप बंदर मामा से 10 रुपए ज्यादा तो लेते हो, लेकिन खाना पेट भर देते हो। स्वाद की बात करें तो मैं भूखा मरा पसंद करूंगा, लेकिन आपके डब्बे पर नहीं आऊंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये गांव हमारा है, हम गायों और बैलों का है, और तुम लोग उस दूसरी प्रजाति वाले की तारीफ कर रहे हो। बिल्लू बैल अपने पकवान में सभी सस्ते सामान इस्तेमाल करता है और सड़ने के लिए तैयार सब्जियां खरीद कर पकाता है। इसीलिए उसका ढाबे पर आने वाले हर लोग यही बात कहते हैं। उससे बंदर मामा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, वो कमाता है तो पूरी ईमानदारी से। आपके ढाबे की रोटी और आलू की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं है बंदर मामा, मैं तो इसे साल भर खा सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें और क्या चाहिए, इतने अच्छे ग्राहक हैं, यही काफी है हमारे लिए। तो बंदर अपने ढाबे में खुद से उगाई हुई ताजी सब्जियाँ और खुद के हाथों से चक्की पर पीसा हुआ आटा इस्तेमाल करके ढाबे के पकवान बनाता है। इसीलिए उसके हाथ की बनी रोटी हो या पराठे हो या फिर कोई भी करी इतनी स्वादिष्ट होती है कि लोग खुद को खाने से रोक नहीं पाते हैं। लेकिन बिल्लू बैल इतनी सी बात को समझ नहीं पाता है। नहीं निम्मो, वो अपने खाने में कुछ तो जरूर मिलाता है, वरना अच्छा खाना तो हम अपने लिए भी बनाते हैं। वो इतना स्वादिष्ट क्यों नहीं होता है? गड़बड़ तो जरूर है। आपको समझाना मेरे पास की बात नहीं है, इतना ही विश्वास है तो जाकर देख कर आओ। क्या करता है वो बंदर मामा, वो क्या मिलाता है वो अपने खाने में, तभी समझ में आएगा आपको। बेचैन बिल्लू बैल बंदर मामा के घर जाता है, वो क्या करता है ये देखने के लिए, और जो देखता है उसका गलत इस्तेमाल करता है। इस टिफिन को संभाल कर रखना, ये किसी को भी हाथों में नहीं लगाना चाहिए, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। चिंता मत कीजिए आप, मैं इसे संभाल कर ही रखूंगी, वैसे भी ये कल सुबह होते गायब हो जाएगा। ऐसे बंदर मामा की पत्नी उस टिफिन बॉक्स को संभाल कर रखती है। बिल्लू बैल समझाता है कि उस टिफिन में वही चीज है जो बंदर मामा अपने ढाबे के खाने में इस्तेमाल करता है। अब देखना कल से मेरे डब्बे पर कैसे भीड़ लगेगी और इस दूसरी प्रजाति के बंदर को हमारे गांव से भगा देगी। ऐसे कहते हुए बिल्लू बैल वो टिफिन बॉक्स चुरा लेता है
और अगले दिन अपने खाने में डालकर बनाता है। आ जाओ आ जाओ, आज मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मेरे डब्बे में भी स्वादिष्ट खाना है। ऐसे कहकर अपने ढाबे के सामने पुकारने पर लोग एक बार चक्कर देखने के लिए आते हैं और अपना मुंह खराब करके बिल्लू बैल को बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो बात वहीं पर खत्म नहीं होती है। सब लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो वही किया है जो बंदर मामा करता है, एक बार चेक करके देखता हूँ। ऐसे कहकर चेक कर देखा तो वो इतना कड़वा था कि सारे मुंह का स्वाद बिगड़ गया था और कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे लगातार पसीना आने लगते हैं। ये हाल उन सभी लोगों का था जो बिल्लू बैल का ढाबे पर खाने के लिए आते थे। ये क्या हो रहा है आपके साथ? क्या था उस टिफिन बॉक्स में? सच बताओ वरना सारा गांव हमें मार मार कर इस गांव से भगा देगा। बिल्लू बैल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनने के बाद निम्मो गाय सीधे बंदर मामा के पास जाती है। मैं अपने पति की इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। कोई बात नहीं बाबी जी, आपने यहाँ पर आकर समझदारी वाला काम किया है। हमें गलती से गलत दवाई मिली थी, वही संभाल कर रख रहे थे। चलो उन बीमार लोगों का इलाज करते हैं, बात और बिगड़ने से पहले। ऐसे कहते हुए बंदर मामा निम्मो गाय के साथ जाकर सबकी मदद करता है और उनकी तरफ से माफी भी मांगता है। वो देखकर बिल्लू बैल को शर्म आती है और वो भी बंदर मामा से माफी मांगकर ईमानदारी से अपना ढाबा चलाने के लिए मेहनत करने लगता है।